हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा मैं कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको देता हूं, लेकिन आज बैड न्यूज़ की बारी है। और सच्ची और सटीक इन्फॉर्मेशन पा लेना भी एक्चुअली में एक गुड न्यूज़ ही होता है, क्योंकि आप अपने अगले मूव के लिए, अपने अगले रणनीति के लिए अपने आप को तैयार रख पाओगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, कुछ बातें बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो चुकी है। पहली बात कि 1 to 5 को लेकर जो मसला है, जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है कि बीएड शामिल है नहीं है, आगे क्या इसका जो है रिजल्ट आने वाला है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक निर्णय ले लिया गया है कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 22,000 शिक्षकों को, जो आप यहाँ थंबनेल में देख रहे हो ना, 22,000 शिक्षकों को बिहार से जो जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, साल दो साल से वो जॉब कर रहे थे, उनको अब जो है निकाल दिया गया है। हाईकोर्ट की ये निर्णय है। सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन नहीं दबाया तो प्लीज दबा लें। चलिए अब मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ न्यूज़पेपर की ओर। यहाँ से देखिए, बीएड धारक 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे, दिख रहा है आपको। और यहां से आपको दिख रहा होगा पटना हाईकोर्ट की इमेज। अब पटना हाईकोर्ट से आपको समझ में आ गया होगा बिहार शिक्षक की बात हो रही है। अब देखिए, यहां से आपको कुछ समझ में आना चाहिए। देखिए, बात सिर्फ पटना हाईकोर्ट की नहीं है। अगर किसी एक हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है ना, तो उसकी गूंज आपको सुप्रीम कोर्ट तक में भी पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि कई बार तो हाईकोर्ट के निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट ओवरकम, यानी कि उसे बदल देती है। ये भी बात आपकी जो है पूरी तरह से सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल मामले में जो है इस तरह की चीज़ें जो है पलटी जाए, बिल्कुल बदल दी जाए, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में बीएड जो धारक हैं 22,000 शिक्षक, उनकी जो सेवा मुक्ति की बात की जा रही है वो कंप्लीटली हो चुकी है। अब देखिए, बात करते हैं एक और। यहाँ से आप देखो जजमेंट की कॉपी भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वेब कॉपी है, यहाँ से आप देख पाओगे। देखिए, एनसीटी इज नो लॉन्गर अप्लीकेबल एंड बीएड कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द एम्पॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी कि ये जो है अब कभी भी जो है प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में जो 22,000 जो छठे चरण के द्वारा जो है नियोजित शिक्षक हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आप बोलोगे कि भैया जिनकी नौकरी हो जाती है साल भर, वो तो पक्की मान ली जाती है, लेकिन देखिए कोर्ट का निर्णय है और ऐसे में कुछ चीज़ें और भी जो है सामने आ सकती है, कुछ डेवलपमेंट, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो में अलग से बना दूंगा। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन टीचर की। तो देखिए, केबीएस 2018 में आयोजित की गई थी, 5 से 6 साल लगभग हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या केंद्रीय विद्यालय जो संगठन के शिक्षक हैं, जिन्होंने बीएड करके पीआरटी में अपनी नौकरी पाई है, क्या उन्हें भी हटा दिया जाएगा? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और उस जो चैलेंज को जो है डिसीजन देने की बात को जो है यहां से आप देख पाओगे कि जब जो शिक्षक भर्ती में शामिल हो चुके हैं, जॉब कर चुके हैं 1 साल तक, उनको हटाया जा सकता है, तो केबीएस में जो टीचर बने हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता है? आपकी राय अलग हो सकती है, डिफर हो सकती है, लेकिन जो बातें मैंने टेक्निकल मामले में है वो मैंने आपके सामने रखी है। एक और बात का खास ख्याल आपको रखना है, एक बात को, यह भी हो सकता है कि इस डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट में बदला जा सकता है। किस डिसीजन को? 22,000 जो शिक्षक शामिल हुए हैं, हटाया गया है उनको, वो फिर से शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, इस मामले में जो भी नई अपडेट आएगी, डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।